हेलो एवरीवन, दिस इज़ योर एजुकेटर मानसी गुप्ता। वेलकम टू रेडी फॉर स्टडी। अभी हम क्लास नाइन्थ की सामाजिक विज्ञान यानी कि SST की वर्कशीट करने जा रहे हैं। ये आपकी SST वर्कशीट नंबर 75 है और इसकी डेट है 28 जनवरी 2022। ठीक है, तो ये हिंदी मीडियम की वर्कशीट रहेगी और इसमें हम क्या पढ़ रहे हैं, आपकी जो राजनीति वाली किताब है उसका चैप्टर नंबर 3 पढ़ रहे हैं, चुनावी राजनीति। ठीक है, तो देखो अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा है। अभी तक हमने पढ़ा है कि भारत में चुनाव की कैसी प्रणाली है, चुनाव क्यों हमारे लिए बहुत ज़रूरी है ना। हम ये सब कुछ चीज़ें पढ़ चुके हैं। फिर अब हम आज बात करेंगे मतदाता सूची की, कि ये क्या होती है। हमारे देश में 18 वर्ष और उससे अधिक आयु के सभी नागरिकों को बिना किसी भेदभाव के चुनाव में मतदान करने का अधिकार है। ठीक है, मतदान के योग्य लोगों को चुनाव से काफ़ी पहले चुनाव से पहले तैयार की जाती है। इस सूची को आमतौर पर मतदाता सूची के रूप में जाना जाता है। देखो क्या होता है, जब इलेक्शन होने वाले होते हैं तो इलेक्शन से पहले क्या होता है, हमारा जो चुनाव आयोग है वो क्या करवाता है, हर हर एरिया का सर्वे करवाता है और पता करवाता है कि कितने लोग हैं जो 18 साल से अधिक उम्र के हैं। फिर उनके नाम लिख लिए जाते हैं, उनकी एक लिस्ट बना ली जाती है। ठीक है, और फिर जिन लोगों के नाम उन लिस्ट में होते हैं वही वोट दे पाते हैं। ठीक है, तो उस लिस्ट को बोलते हैं मतदाता सूची। ठीक है, चलो आगे है उम्मीदवारों का नामांकन, यानी कि अगर हमारे को अपने एरिया से किसी व्यक्ति को उम्मीदवार के तौर पे खड़ा करना है या किसी व्यक्ति को अपने क्षेत्र से उम्मीदवार के तौर पे खड़ा होना है तो वो कैसे उम्मीदवार बन सकता है। तो देखो, राजनीतिक दल अपने उम्मीदवारों को मनोनीत करते हैं जिन्हें पार्टी का चिन्ह और समर्थन मिलता है। अब हर राजनीतिक पार्टी अपने तरफ से एक उम्मीदवार को, एक कैंडिडेट को खड़ा करते हैं। पार्टी के मनोयोजन को अक्सर पार्टी का टिकट कहा जाता है। मतलब जो व्यक्ति खड़ा होता है ना, वो बोलता है कि मुझे पार्टी का टिकट मिल गया, मतलब मैं पार्टी की तरफ से खड़ा हो रहा हूँ। चुनाव लड़ने की इच्छा रखने वाले प्रत्येक व्यक्ति को नामांकन फॉर्म भरना पड़ता है। मतलब चुनाव लड़ने से पहले उस व्यक्ति को क्या करना पड़ता है, अपनी तरफ से एक नामांकन फॉर्म भरना पड़ता है। यह फॉर्म उस तरीके से जैसे आप किसी स्कूल में एडमिशन लेने से पहले एडमिशन फॉर्म भरते हो। ठीक है, और कुछ धन सुरक्षा जमा के रूप में देना भी पड़ता है। मतलब फॉर्म भरने के साथ साथ कुछ पैसा भी देना पड़ता है। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों पर घोषणा की एक नई प्रणाली शुरू की गई है जिसमें प्रत्येक उम्मीदवार को एक चुनाव कानूनी घोषणा करनी होती है जिसमें उसका पूरा विवरण होता है। मतलब अगर किसी व्यक्ति को खड़ा होना है ना उम्मीदवार के तौर पे, तो उसको अपनी खुद की पर्सनल कुछ इन्फॉर्मेशन देनी पड़ती है। ये सुप्रीम कोर्ट ने मैंडेटरी कर दिया है, मतलब आवश्यक कर दिया है। अब उस जानकारी में, उस पर्सनल सूचना में क्या क्या होगा, उम्मीदवार के खिलाफ गंभीर आपराधिक मामले, कहीं उस पर कोई क्रिमिनल केस तो नहीं चल रहा, इसकी जानकारी, उम्मीदवार और उसके परिवार की संपत्ति के बारे में जानकारी, उसके द्वारा लिए गए लोन और कितना उसने किसी को दे रखा है वो सारा देनदारियों का विवरण, और उम्मीदवार की शैक्षणिक योग्यता यानी कि वो कितना पढ़ा लिखा है, ये सारी जानकारी भी अब पब्लिक की जाती है। यह जानकारी सार्वजनिक करनी होगी। यह मतदाताओं को उम्मीदवारों के द्वारा प्रदान की गई जानकारी के आधार पर अपना निर्णय लेने का अवसर प्रदान करता है। अब देखो, आप किसी कैंडिडेट के बारे में जानकारी मिलने के बाद ही तो तय कर पाओगे ना कि हाँ उस व्यक्ति को वोट देना चाहिए ना या नहीं देना चाहिए। तो ये काफी अच्छा एक इनिशिएटिव है जो कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा प्रारंभ किया गया है। अब देखो, चुनाव का अभियान शुरू होता है। भाई देखो, सब कुछ हो रहा है, वोटिंग पड़ने जा रहे हैं, तो थोड़ा सा प्रचार प्रसार भी करना बहुत जरूरी है। तो अब हम बात करेंगे प्रचार कैसे होता है, कौन बेहतर प्रतिनिधि है, कौन सी पार्टी बेहतर सरकार बनाएगी और क्या उसकी नीति रहेगी, इस बारे में खुलकर चर्चा होना बहुत ज़रूरी है। तभी हम अलग अलग पार्टियों के बारे में, अलग अलग पार्टी के एजेंडे के बारे में जान पाएंगे। चुनाव प्रचार के दौरान ऐसा ही होता है। हमारे देश में इस तरह के अभियान उम्मीदवारों की अंतिम सूची की घोषणा और मतदाता की तारीख के बीच 2 सप्ताह की अवधि के लिए होते हैं। अब देखो क्या होता है, भारत में जब चुनाव होने वाले होते हैं, चुनाव की जब तिथि की घोषणा कर दी जाती है, तो उससे 2 हफ्ते पहले हर राजनीतिक पार्टी को बोला जाता है कि चलो जाओ, अब आप लोग अपना प्रचार प्रसार कर सकते हैं। हमारे चुनाव कानून के अनुसार कोई भी दल या उम्मीदवार मतदाताओं को रिश्वत या धमकी या उसके जाति और धर्म के नाम पर अपील, चुनाव प्रचार के लिए सरकारी संसाधनों का उपयोग और लोकसभा चुनाव के लिए एक निर्वाचन क्षेत्र में 25 लाख रुपए से अधिक या विधानसभा चुनाव में एक निर्वाचन क्षेत्र में 10 लाख से अधिक रुपए खर्च नहीं कर सकता। अब देखिए, माने किसी व्यक्ति को प्रचार प्रसार करना है, तो पहली बात, वो किसी को डराएगा धमकाएगा नहीं, वो लोगों को धमकाएगा नहीं, उनको किसी भी तरीके से कोई ब्राइब नहीं देगा, मतलब रिश्वत नहीं देगा, और ऐसा नहीं बोलेगा कि तुम मेरे को अगर वोट दोगे तो तुम्हें पैसे दूंगा, ऐसे करके कोई कुछ नहीं बोलेगा। ठीक है, जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर आप वोट नहीं मांगेंगे कि मैं हिंदू हूँ तो आप मुझे
आप सारे हिंदू भाई मुझे वोट दो, नहीं ऐसा नहीं करोगे। और चुनाव प्रचार के लिए आप सरकार की संपत्ति का कोई भी इस्तेमाल नहीं करोगे, ना ही आप सरकारी वाहनों का और ना ही आप सरकारी पैसों का इस्तेमाल करोगे, ठीक है। लोकसभा के चुनाव में देखो, जब लोकसभा के चुनाव होते हैं यानी कि प्रधानमंत्री के चुनाव होते हैं, तब आपको एक क्षेत्र में 25 लाख रुपये खर्च करने की आज़ादी होती है, आप उससे ज़्यादा पैसा नहीं खर्च कर सकते हो। वहीं जब राज्य स्तर की विधानसभा के चुनाव होंगे, तब आप एक क्षेत्र से सिर्फ 10 लाख रुपये ही खर्च कर सकते हो। तो ये कुछ नियम कानून बने हुए हैं चुनाव के प्रचार से संबंधित। हमारे देश में सभी राजनीतिक दल चुनाव अभियान के लिए आदर्श आचार संहिता पर सहमत हो गए हैं। अब देखो, मैंने आपको बताया ना कि चुनाव प्रचार से संबंधित कुछ कानून होते हैं, कुछ दिशा निर्देश होते हैं, तो जहां पर वो कानून लिखे हुए हैं कि कैसे कैसे क्या क्या प्रचार करना है, उस पूरे लिखे हुए दस्तावेज को बोलते हैं आचार संहिता, ठीक है। तो आई होप आप समझ गए कि आचार संहिता क्या होता है। एक तरीके से ये ना एक वो होता है, एक दिशा निर्देश होता है जिसमें बताया जाता है कि आपको किस तरीके से प्रचार करना है, ठीक है। अब देखो, हम बात करेंगे मतदान और मतगणना की। अब सबसे फाइनल डे है कि अब वो होगी वोटिंग, ठीक है। इतना सब कुछ प्रचार प्रसार हो गया, खड़े हो गए, वोटिंग लिस्ट बन गई, अब क्या होगा, अब चुनाव भी तो करवाने जरूरी है। तो अब चुनाव का अंतिम चरण है, वह दिन होता है जब मतदाता अपना वोट डालते हैं और मतदान करते हैं। अब वोट डालेंगे सब लोग, इस दिन को आमतौर पर चुनाव का दिन कहा जाता है। आजकल वोट रिकॉर्डिंग करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यानी कि ईवीएम का इस्तेमाल किया जाता है। देखो, पहले जमाने में क्या हुआ करता था ना, लोग पेपर पर ठप्पा लगा के बोलते थे कि हाँ हम इस पार्टी को वोट दे रहे हैं। क्या होता था, बॉक्सेस रख दिए जाते थे और पेपर दे दिया जाता था। आपको जिस भी पार्टी को वोट देना है, मान लीजिए आपको भाजपा को वोट देना है, तो आप भाजपा का स्टैंप उठाएंगे और उस पेपर में जो है लोटस का यानी कि कमल के फूल वाला जो थप्पा है वो लगा देंगे। तो इससे वो वोट किसको चला जाएगा, भाजपा को चला जाएगा, और फिर अपना वो पर्ची उठा के तुम भाजपा वाले बॉक्स में डाल दोगे, ठीक है, तो वो तुम्हारा वोट माना जाएगा। लेकिन अब थोड़े हम आधुनिक हो गए हैं, थोड़ा सा मॉडर्न तरीके से अब हम चीज़ों को अपनाने लगे हैं, तो अब इस्तेमाल किया जाता है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का, ठीक है। चुनाव के दिन और मतगणना के दिन सभी उम्मीदवारों के एजेंटों को मतदान केंद्र पर बैठने की अनुमति दी जाती है। अब देखो, जिस दिन वोट होते हैं ना, और जिस दिन वोटों की गिनती होती है, उस दिन भी हर पार्टी का एक एक एजेंट जो है वो चुनाव उस जगह पर उपस्थित होगा जहां पर चुनाव हो रहे हैं, प्लस वहाँ पर भी उपस्थित होगा जहाँ पर वोटों की गिनती हो रही है। उन्हें इसलिए वहाँ पर बैठाया जाता है ताकि वो देख सकें कि सब कुछ काम ठीक से हो रहा है, ताकि बाद में किसी को बोलने का मौका ना मिले कि चुनाव जो है वो ठीक से नहीं हुए, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन क्या है आपका, मतदाता सूची किसे कहते हैं, तो उसका आंसर यहीं पर देख लीजिए। एक लोकतांत्रिक चुनाव में वोट देने के योग्य लोगों की सूची को चुनाव से पहले बहुत पहले तैयार कर लिया जाता है और सभी को ये सूची दी जाती है। इसे आमतौर पर मतदाता सूची के रूप में जाना जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4 जो है हम यहाँ आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है कि आपके अनुसार चुनाव लड़ने के लिए उम्मीदवार के अंदर क्या क्या योग्यता होनी चाहिए। सबसे पहली बात, उसे वफादार होना चाहिए और किसी भी तरीके की भ्रष्ट गतिविधियों में उसको शामिल नहीं होना चाहिए, उसको भ्रष्टाचार वाली गतिविधियों से मुक्त होना चाहिए, ठीक है। पॉइंट नंबर 2, खुले विचारों का होना चाहिए और संकुचित मानसिकता से मतलब पुराने सोच से उसको मुक्त होना चाहिए, थोड़े मॉडर्न आइडियाज वाला होना चाहिए। सबसे मेन बात यह है कि उसमें जनता की सेवा की भावना होनी चाहिए और वह भारतीय भी होना चाहिए, क्योंकि एक भारतीय ही व्यक्ति भारतीय लोगों पर अच्छे से शासन कर पाएगा और उसे अपने लोगों की समस्याएं भी ज्ञात होंगी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 है, आदर्श आचार संहिता क्या है। तो आदर्श चुनाव संहिता चुनाव के प्रचार से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण दिशा निर्देश हैं जिसे भारत के चुनाव आयोग के द्वारा जारी किया गया है, ठीक है। चुनाव कैसे होंगे, चुनाव का प्रचार करते समय किन किन बातों का ध्यान रखना है, इससे संबंधित जो पूरी गाइडलाइंस है जिन्हें कि भारत का चुनाव आयोग जारी करता है, उस पूरे गाइडलाइंस को बोलते हैं आचार संहिता, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 है, मतदान और मतगणना के दिन सभी उम्मीदवारों के एजेंट क्यों मौजूद होते हैं। तो चुनाव के दिन और मतगणना के दिन सभी उम्मीदवारों के एजेंटों को मतदाता केंद्र पर बैठने की अनुमति दी जाती है ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि चुनाव और मतगणना ठीक ढंग से हुई है, ठीक है। ठीक है, तो बस आपकी आज की जो वर्कशीट थी वो इतनी ही थी। आई होप आपको चीज़ें अच्छे से समझ में आई होंगी। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है, इसे अपने दोस्तों के साथ और क्लास ग्रुप में शेयर कीजिए। वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट करके बताना कि वीडियो कैसा लगा। और अगर आप इस चैनल पर नए हो, सब्सक्राइब करना प्लीज़ मत भूलना, थोड़ा सा सपोर्ट दो हमें ताकि हम भी आगे बढ़ सकें, ठीक है। एक और बात मैं आपसे बोलना चाहूँगी कि अब आप चाहो तो हमको हमारे इंस्टाग्राम पेज पर भी ज्वाइन कर सकते हो, जुड़ सकते हो मेरे से आप। मेरे इंस्टाग्राम के पेज का नाम है रेडी फॉर स्टडी, तो जाइए मुझे वहाँ पर फॉलो कीजिए और कोई डाउट हो तो आप मेरे से पूछ सकते हैं, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वर्कशीट के साथ। अब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय।